कि जो चराचर का मालिक परमात्मा है उसने आंखें बंद क्यों की। अब भगवान कहते हैं यो यथा माम प्रपद्यन्ते स्थान तथे उभयाम्य, जो मुझे जिस भाव से देखता है ये मुझे बालक ही समझ रही है तो मैं भी बाल लीला कर दूं। और बालक क्या करता है, माँ के अतिरिक्त किसी अन्य को देखता है तो झेप जाता है। ठाकुर जी भी चमक गए, आंखें बंद कर ली, चरात चरात्मा सुनिमील देखा। एक संत ने इस पंक्ति का अलग अर्थ किया, उन्होंने अर्थ करते हुए कहा कि भगवान ने आंखें बंद क्यों की, तो भगवान तो सर्वांतर्यामी है, उन्हें मालूम है कि ये कालकूट जहर लगा करके आई हुई। भगवान ने आंखें बंद करके आशुतोष अवधानी बाबा विश्वनाथ जी को याद किया, शंकर जी को याद किया। कहे भगवान शंकर जी ये आपका भोग मुझे लेकर के आ गए, ये जहर तो आपका भोग है, इसलिए आप मेरे हृदय में बैठ जाओ, इस जहर का भोग आप लगाओ, हम तो माखन मिश्री खाएंगे। चरा चरात्मा से निमीलते। तीसरे संत ने इसका अलग अर्थ किया। तीसरे संत ने अर्थ करते हुए कहा कि भगवान ने आंखें बंद क्यों की, तो कहते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि जिसको आंख खोल करके प्यार से देखा जाता है उसमें प्रेम की उत्पत्ति हो जाती है, और जिसमें प्रेम पैदा हो जाए उसे मारा नहीं जा सकता, और मुझे इसको परम धाम पहुंचाना इसलिए मुझे आंखें ही बंद कर लेनी चाहिए। तो चरा चरात्मा स्निमिलते क्षण। चौथे संत ने एक अलग अर्थ किया कि भगवान ने आंखें बंद कर ली, तुम भगवान के सामने कितने भी डेकोरेशन करके पहुंच जाओ, कितना भी अपवित्रम पवित्रम करो, उन्हें तो मालूम नहीं है तुम कितने पवित्र हो और कितने अपवित्र, उनसे कुछ छुपा हुआ है। भगवान ने उससे देख करके कहा कि निर्मल मने जने सो मुहि पावा, निर्मल मने जने सो मुहि पावा, मोहि कपट छले छिद्र न भावा, मोहि कपट छले छिद्र न भावा, निर्मल मने जने सो मुहि पावा, कपट छले छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे छल कपट अच्छा नहीं लगता, भगवान को मालूम है, इसलिए चरा चरात्मा से निमीलते क्षणा, भगवान ने आंखों को बंद कर लिया। छठवें संत ने एक अलग अर्थ किया, उसने पूछा श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी से कि महाराज आप क्या कहें, भगवान ने गोविंद ने आंखें बंद क्यों कर ली। ठाकुर जी आंख बंद करके उसके बारे में चिंतन करने लगे कि ये मेरे पास आई कैसे भी आई, हो भाव को भाव अनख आलसा हूं, कैसे भी कोई मेरी शरणागति आ जाए, सर्वधर्मान प्रतिज्ञा मामे कम शरणम ब्रज, मेरी प्रतिज्ञा है अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयामी मां सुचाह, मेरी ये प्रतिज्ञा है, इसलिए मुझे इसके साथ में क्या व्यवहार करना है।